करते टीन एजर्स की अब आप देखें वो जो एक कच्ची उम्र है और उस वक्त एक इमिच्योर माइंड होता है तो जब बच्चा या कोई भी बच्ची एक रिलेशनशिप में आ जाती है या कोई क्रश हो जाता है उसको या जैसे कहते हैं इमोशनली कनेक्ट हो जाती है किसी से प्यार हो जाता है मोहब्बत हो जाती है वर्ड्स उनके टर्म्स में लेकिन कुछ अर्से बाद ख़त्म हो जाता है बबल बर्स्ट हो जाता है वो इमोशनल कनेक्शन टूट गया डिटैच हो गया तो उसके बाद केस क्या होता है किस तरह इमोशनली ब्रेक हो जाता है बच्चा और स्पेशली लड़कियों की बात करती हूँ फीमेल टीन इमोशनली अपने आप को किस फेज में देखती है जब वो इस रिलेशनशिप से, से निकलती है इस फेज से निकलती है और इतनी कम उम्र में आप आप की ब्रेकअप्स लेके बैठे जबकि यू हैव सो मच मोर टू डू फॉर लाइफ तो उसको आप कैसे तर, ये कोई ऐसा नहीं है कि से? आज के दौर में हम इसे कम उमरी कहें इंसान जब से दुनिया में आया है ये जज्बा उसके साथ पहले दिन से जुड़ा हुआ है जहाँ बलोगत आती है हार्मोनल चेंजिंग आती हैं इंसान के अंदर ये नीड कि मेरी जिंदगी में कोई पार्टनर होना चाहिए और आखिरकार तो किसी ने शामिल होना ही है जिंदगी का साथी बन के तो उसके लिए जो सामने दुनिया मौजूद है तो किसी ज़माने में हाँ ये फरक जो पड़ा है कम्युनिकेशन का फ़र्क़ पड़ गया अबलाग आसान हो गया अवेलेबिलिटी कम्युनिकेशन के गैजट सामान टेलीफोन ये सब चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं ये मोहब्बतें हमारे ज़माने में थी हमारे बुजुर्गों के ज़माने में थी उनके गाने देखें तो वो कबूतर और खत के साथ जुड़े हुए थे आज जो है वो रिंग के वर्ड आ रहे हैं गानों में आज आ रहा है मैसेज की शक्ल आज आ रहा है जनाब टिकटॉक आज ये सारा मॉडर्न गैजेट आ गए सो so, जो अफेक्ट है वो ब्रेकअप का किसी रिलेशन के खत्म होने का वो दोनों पे है ये मैं वाजिया कर दूँ इसमें सिर्फ हम ये नहीं कह सकते फीमेल्स पर होता है मेल्स पे नहीं होता दोनों पे उसका अफेक्ट पड़ता है और ये अफेक्ट जो है इसका सबसे बड़ा जो कह लीजिए अफेक्ट है वो इमोशंस पे है जी बंदा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है लेकिन ये एक बबल होता है याद रखिएगा इमोशन लव या रिलेशनशिप का भी एक बबल है जो फटता है एक नया बबल बबल बनता है जो बबल है जो ब्रेकअप का और उसने भी पक्का नहीं रहना होता हमेशा नहीं रहना होता right. नेचुरल कुदरत ने हमारे अंदर कुछ वॉल्व रखे हैं जिसके जरिए हमारा कथारिस हो जाता है hmm. यानी ये कभी नहीं हो सकता हम ये कहें कि जनाब किसी को मोहब्बत हुई थी वो तब का पागल है और चालीस साल गुजर गए तीस साल गुजर गए नेचर ने हीलिंग रखी हुई है वो रिश्तों में रखी हुई है लाइफ में रखी हुई है आप एक जिम्मेदारी है अगली जिम्मेदारी आपके पास आ जाती है आपने जीना है आपने आगे बढ़ना है आपने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को निपटाना है आखिर जॉब पे जाना है काम पे जाना है वहां से काम मिलना है असाइनमेंट्स हैं पहली को सैलरी मिलनी है किसी ने काम कारोबार चलाना है वो जो नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस है वो उसमें बड़ी ताकत है जी और इमोशंस इस पर मुख्तफ तरह की रिसर्च हैं एक रिसर्च ये कहती है कि जो इमोशंस हैं वो अट्ठारह माह के अंदर टोटली उसमें वो चेंज आ जाता है टोटली दूसरी रिसर्च तो जो मॉडर्न जो है चीज़ें वो मतलब थ्री मंथ्स में चेंज आ जाता है थ्री विद इन थ्री मंथ्स अब इसमें एक आप अभी तो नहीं मैं चाहूँगा आप जज साहब को भी शामिल कीजिए लेकिन एक सवाल हम दोनों से ज़रूर पूछिए कि इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये हमारे तो बच्चे और बच्ची हैं ना जी मेरे अपने बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी अब जाने लग पड़े हैं बड़े हो गए हैं बच्चे हमारे बच्चों को आने वाली नस्ल को ऐसा क्या करना चाहिए हमारा विजडम का क्वेश्चन है मेरा है। और हमारा तो ब्रेकअप हो हो डिस्टर्ब हाउस होल्ड यस यस बिल्कुल ठीक बात की आपने मुझे भी ये बताइए कि जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की और आपका तो रिकनसिलेशन एक प्रॉपर फाउंडेशन है जिसमें आप हाउस करवाएं और मेरे ख्याल से मोर देन थ्री थाउजेंड केसेज अब तक आप डील कर चुके हैं ऑफ़ द रिकॉर्ड प्राइवेटली तो जब आपके पास कपल्स आते हैं या कोई टीन एजर वाला कपल अब तक आपके पास कोई आया जिनकी चले हम कह सकते हैं सपोजिटली शादी हुई हो या रिलेशनशिप रहा हो तो उसको आप शेयर कीजिए एक्सपीरियंस जी मेरा जो अभी थैंक यू वेरी मच आपने इस सारे सब्जेक्ट मुझे भी इन्वाइट किया है इसमें असल तो एक्सपर्ट पेशा साहब हैं हम इनसे हमेशा गाइडेंस लेते हैं बिल्कुल क्योंकि वो जो फाउंडेशन जहाँ मैं बैठ के ये रिकॉन्सलेशन का प्रोसेस करता हूँ जहाँ कपल्स को हम इन्वाइट करते हैं वो फाउंडेशन कासम अली शाह फाउंडेशन ही है और वहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है हमेशा सबके विजडम को बार बार इन्वॉल्व करने की असल जो आ, मैंने देखा है अभी जो इस वक्त आपका करंट इशू है वो ये है कि आपका जो टीन है सारा टीन ग्रुप हमारा वो सारा तो इस वक्त वो जो करियर मेकिंग है उसके अंदर इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा और हम लोग हर लेवल पे ये समझते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये ज़रा बड़े हो जाएंगे तो फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ में आएंगे एक्सपेक्ट भी नहीं करते आप right. भी नहीं एक्सपेक्ट करते और टाइम भी नहीं होता किसी के पास आपके पास अपने वो जो स्कूल और कॉलेज की जो कमिटमेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी की उसमें से निकलना मुश्किल होता है बिल्कुल ठीक और उसका जो साइड इफ़ेक्ट आ रहा है वो ये है कि शादियां लेट हो रही ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात जो है हमें इस पर गौर करना चाहिए कि इस वक्त थर्टी तक एज में शादियाँ नहीं हो पा रही एक तो रिसर्च के मुताबिक एक करोड़ तक की जो आबादी है पैंतीस साल की जो खुतन है दे आर लुकिंग फॉर जी और इसी तरह से एक और इंतहा भी इसमें है उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए उस पर भी आपको ज़रूर कोई प्रोग्राम करना चाहिए सेपरेटली वो है जो बहुत ही कम से में शादियाँ हो जाती जो चाइल्ड मैरिज हो जाती है बच्चियाँ छोटी छोटी होती हैं उनकी शादी सर मुझे ये बताएं जब मैं आपसे बात करती हूँ एडल्ट मैरिज की जब आपके पास कोई ऐसे कैसे आते होंगे मोहब्बत की शादियाँ या कोई रिलेशनशिप uh, है पिछले चार पाँच साल से बहुत इमोशनली फिजिकली मेंटली कनेक्टेड एक दूसरे के साथ लेकिन अगर उनका एंड तक नहीं बनता वो सेशन उनका इकट्ठे लॉन्ग टर्म नहीं चलता तो फिर उसके बाद क्या होता है क्या इमोशनल डिटैचमेंट के बाद फेज़ खुल के आता है और आप उसको किस रिकनसाइल करते हैं मैं आपसे भी पूछूंगी ये सवाल पहले इनसे करते हैं मैं इसको जिस तरह मैंने देखा है जो मेरे पास बच्चे आते हैं खुद ही अप्लाई करते हैं मुझे दोनों में से एक को अप्लाई करना पड़ता है कि जिम्मे इमोशनली डिस्टर्ब हों मेरी शादी टूट रही है या मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है मेरी हेल्प करें और अभी हमने रिसेंटली दो महीने पहले शुरू किया है प्री मैरिज काउंसलिंग का एक नया चैप्टर पहले नहीं था हमारे पास अब हम प्री मैरिज काउंसलिंग पे भी बहुत तोज्ह दे रहे हैं लोग बात करते हैं और मैं दोनों की बात करवाता हूँ ऑनलाइन मैं दरम्यान में रेफरी के तौर पे बैठा होता तो हूँ और बहुत से सवाल जो आपस में नहीं पूछ सकते बच्चे और मैं इंसिस्ट करता हूँ कि ये पूछने चाहिए मैं उनसे इस तरह करता हूँ कि मैं क्यों ना पूछ लूँ क्या ये पूछना ज़रूरी नहीं है आपके ख्याल में तो उससे फ़र्क पड़ता है लेकिन ये जो आपका आज का सब्जेक्ट है स्पेशली कि आप इसके इमोशनल जो आस्पेक्ट्स हैं ब्रेकअप के उन पर बात करें तो बहुत ज़्यादा है जो ख़ासतौर पर बच्चियाँ हमारी वो बहुत बुरी तरह मुतासर होती हैं उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट कोई नहीं है मेरे पास बच्चियाँ आती हैं जो मैं आपको केसेस हम बता सकते हैं आप उस पर रिसर्च कीजिए कि बाजू टूटे हुए हैं कान कटे हुए हैं नाक ब्लेड से कटी हुई है और वो बेचारी राजीनामा करना चाहती है रिकॉन्सिलेशन करना चाहती है क्योंकि कई के, के पेरेंट्स नहीं रहे पीछे कईयों के, के भाई हैं वो नहीं रख सकते अपनी बहन को बच्चों समेत तो वो जो इमोशनल एक बहुत बड़ा वो ट्रामा है जिसके अंदर से वो गुजर रही होती है वो कंटिन्यू करता है बाजुकात वो उस व्रामा से निकल ही नहीं सकती हमारे पास कोई टूल्स नहीं है सोसाइटी में कि हमें उस ट्रामा से उसको निकाल सके हमारे पास कोई सेंटर्स नहीं है कोई हमारे पास आउटलेट्स नहीं।, नहीं है right. उस बच्ची ने बस कुड़ कुड़ के वहीं रहना है hmm. मुझे बाजू बहुत खौफ आता है इस सारी बात के बावजूद कि मैं सुलह कराने के लिए बैठता हूँ इस सत्तर साल की उम्र में और कोशिश करता हूँ सुलह हो जाए मुझे खुद पंद्रह बीस तलाकें करवाना पड़ी hmm. जहाँ पे हमने समझा की यह बहुत ज्यादा डिजास्टर हो सकता है टॉक्सिक हो हमारे साथ यहाँ पर अभी कॉलर मौजूद है जी 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 क्या सवाल है आपका मोहम्मद अबू बकर कश्मीर से बात कर रहा हूँ मेरा सवाल ये है कि एक हमने केस देखा है उसमें आ, औरत जाती है जाकर शिकायत लगाती है कि आज तक मेरा शोर मेरे साथ लड़ा नहीं है ये मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता इस वजह से हमारी लड़ाई नहीं हुई तो क्या बेहतरीन मोहब्बत के लिए लड़ना भी जरूरी होता है जी मुझे बताइए मैं जबरदस्त करें क्योंकि ज्यादा जी, उनका किया है मैं बल्कि ये सवाल जो है जवाब की तकरीबन हर टॉक में देता हूँ कि जो मियाँ बीवी नहीं लड़ते उनका ब्रेकअप बहुत जरूरी हो जाता है फिर लड़ना एक एग्जॉस्ट सिस्टम है एक साइलेंसर सिस्टम है पूरा आपका अगर आप एग्जॉस्ट नहीं कर रहे अगर आपस में चक चक नहीं हो रही मियाँ बीवी में तो मुझे बहुत डर लगता है कि ये लोग ये शादी नहीं चली मैं कह देता मैं कहता हूँ आप अपने दिल की भड़ास से मैं बैठ जाता हूँ मैं उनका सारा गुस्सा अपने पे सह लेता मैं कहता हूँ मेरे पे गुस्सा निकालो मेरी तरफ मुंह करके आप बात कर लेकिन आप अपना गुस्सा निकालो लोग जो मिया बीवी नहीं लड़ते लड़ाई ही मियाँ बीवी के एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की जमानत तो शाह साहब आप क्या कहेंगे आपके पास इस तरह के कपल्स आते हैं कि मेरी बीवी मुझसे नहीं लड़ती या मेरा शोहर मुझसे नहीं लड़ता ये भी तो तो मुझे शादी ना देखें आइडियल को ना हमने एक डिफाइन या किया हुआ है एक फ्रेम बनाया हुआ है हर बंदे ने माइंड में कि जिस रिलेशन में कोई लड़ाई नहीं है वो बिल्कुल ठीक है ऐसा बिल्कुल नहीं होना सोच का अख्तिलाफ होना नज़रिए का अख्तलाफ होना पसंद ना पसंद में फ़र्क होना प्रायोरिटीज में फ़र्क होना सबसे बढ़ के मुख्तु शख्सियत होना एक दूसरे से इतना मुख्तलिफ होना देखिए मुख्तलि होगा तो जानेंगे ना जिस जगह को आपने देखा है जिस जगह को एक्सप्लोर कर लिया है जिसको आपने जान लिया है और आपको फाइनली पता लग गया कि ये ये है कहानी तो ख़त्म हो गई जिसको जानना पड़े जिससे पूछना पड़े जिससे आर्ग्यू करना पड़े ये रिलेशन का हुसन है देखिए ख़तरनाक चीज़ क्या है मैं वाजह करूँ रिश्ता बनाना उस बनाने के बाद उसको निभाना और चलाना ये एक सलाहियत है काश कि ये पूरी हमारी जो नई नस्ल है ये समझ, समझ जाए ये जाए। हमारी ज़िंदगी का मैं सर सर को से भी सेकंड करवाऊंगा अपनी बात को कि हमारी ज़िंदगी का निचोड़ है कि ये एक सलाहियत है जिसको पॉलिश किया जा सकता है और इसमें इसके लिए बर्दाश्त ज़रूरी है इसके लिए अच्छा लिसनर होना जरूरी है इसके लिए दूसरे की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है इस इसके लिए दोनों का मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा रिश्ता वो रिश्ता है जिसमें जहनी सेहत ठीक रहे कायम रहे और मैं फिर कहूँगा कि किसी भी रिश्ते की वजह से वो शादी से पहले बना है और आखिर उसने शादी तक पहुँचना है यानी शादी के बाद बन चुका है और चल रहा है अगर खुदा न खास्ता एक मरीज़ बन जाता है बेहतर है कि उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए राइट right. अच्छा ये भी आपको बता दूँ कि रिलेशनशिप जो होते हैं ना जो हमारे रिलेशन बनते हैं और वक्त के साथ फिर एक्सप्लोर होते हैं ये प्याज के छिलकों की तरह होते हैं वो हटते जाते हैं एक नया छिलका एक नई लेयर एक नई लेयर कुछ लोग इतने मजबूत होते हैं कि वो असल नहीं दिखा पाते right, उनकी right. जो असल शक्ल असल फॉर्म होती है उसके ऊपर इतनी अच्छी मलमाकारी हुई होती है इतनी अच्छी कॉस्मेटिक उनकी बनी होती है कि वक्त के साथ साथ मैं वो तमाम सुनने वाले हमारी जो बेटियाँ हैं हमारे जो बच्चे right. हैं और आपके साथ दो एक्सपर्ट बैठे बात कर रहे हैं मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि शुक्र अदा करें अगर पता लग गया अगर वक्त से पहले पता लग गया तो इस पर तो मुबारकबाद बनती है बजाय जी आप मर गए मर गए लुटके लुटके जी एक जज्बाती हादसा हो गया अगर आपको पता लग गया कि इसके साथ चला नहीं जा सकता और फर्ज कीजिए कि दो या तीन साल के बाद पता लग गया कि नहीं चला जा सकता तो पूरी जिंदगी आपकी अभी भी पड़ी हुई है उसको बचाया जा सकता है आप अभी मंगनी है या कोई रिलेशन है कोई वादा है और नहीं चला रिलेशन शुक्र अदा करें समझ आ गई कि यार इसके साथ नहीं चला जा सकता मैं आपको एक और बात बताऊं एक कामयाब रिश्ता चलते चलते शादी में कन्वर्ट हुआ इतनी लर्निंग नहीं है जितनी ब्रेकअप में लर्निंग है तारीख में ये किताबों में बात लिखी हुई है जाके पढ़िए नेपोलियन हिल की किताब उसमें पूरा एक चैप्टर है इस पर उसने कहा तारीख की जितनी क्रिएटिविटी है जितने बड़े काम है वो टूटे दिल वालों ने किए सर अगर लर्निंग है तो फिर लड़कियां इतना इमोशनली इफेक्ट क्यों होती हैं नॉट इवन इमोशनली मेंटली भी और समटाइम्स सोशली भी उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि वो अपने आप पर ना ये चीज़ें हावी कर लेती हैं अच्छा देखिए ये ना मैं फिर कहूँगा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है पहली बात तो ये मैं आपको वाजिया कर दूँ जो रिसर्च है मैं आपके सामने रख देता हूँ उसको गूगल पे अभी हमारे हमारे सुनने वाले इस प्रोग्राम के साथ साथ जरा सेकंड चेक कर लें दुनिया में जो एवरेज एज है औरत की ज़्यादा है मर्द की कम है जो स्ट्रेस चैलेंज बर्दाश्त करने की सलाहियत है औरत की ज़्यादा मर्द की कम है दुनिया में ये देखा गया कि अगर कपल है और उसमें से फर्ज कीजिए के मर्द अल्लाह को प्यारा हो गया औरत सरवाइव कर जाती है बच जाती है लेकिन अगर फीमेल चली गई है मर्द नहीं बचता कुछ ही अरसे के बाद ये सेवेंटी एटी परसेंट लोग बेचारे आपने बूढ़े बाबे कम देखे होंगे बूढ़ी मायें ज़्यादा देखी होंगी